हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे और क्लास 10 का मैथ्स का और ये त्रिकोणमिति का क्या है चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का और ये क्वेश्चन है आपके पास नवा दसवा और ग्यारहवा इस वीडियो में सोल्व होगा। देखिए नवा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं उनका सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, सवाल ये है कि एक मीनार के पांच बिंदु से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। किसका है? भवन का है। भवन का जो एंगल है कितना है? 30 डिग्री है। एक बात ध्यान पर रखना, किसका बोला गया है? भवन का। आगे है, और भवन के पांच बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 का है। किसका है? हमारे पास ये किसका है? मीनार का है। यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर की हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको एक भवन बनाना है, एक बनानी है मीनार। तो कैसा बनेगा चित्र वो देखें। तो भवन का चित्र कैसा बनेगा? इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये भवन है। अब ये जो भवन है इसका जो एंगल है कितना है? 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री का एंगल है भवन का। और इसके जस्ट पास में एक मीनार खड़ी है और मीनार की जो हाइट है वो कितनी है? वो आपके पास है कितनी? 50 मीटर की। तो लगभग 50 मीटर की इसकी हाइट है इसकी मीनार की। अब इसकी जो हाइट है कितनी है? 50 मीटर की है। कितनी है? 50। और इसका जो एंगल है कितना बन गया है? एंगल है इसका 60 डिग्री का। किसका? मीनार का जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। तो आप ये 60 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो भवन खड़ा है आपको इसकी ऊंचाई चाहिए, भवन की ऊंचाई चाहिए। तो इसको कह दो एच मीटर, और एच मीटर इसका हमें मान चाहिए। और इसके नाम कैसे भी रख दो, ए, तुम चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ए बी सी और इसको कह दो डी। आपको जो मान चाहिए इस ए बी का चाहिए और यही भवन की ऊंचाई है। तो इसमें पूछा गया है क्या कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दो। भवन जो है वो एच मीटर है और एच का मान हमें फाइंड करना है। तो आप इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं माना, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई। भवन की जो ऊंचाई है जो हमने मानी है वो मानी है हमने ए बी। क्या मानी है? ए बी। और ए बी बराबर क्या मान लिया हमने? एच मीटर। और एच का मान हमें फाइन करना है। और जो मीनार की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर की है। तो आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई इसमें दे रखी है सवाल में, मीनार की जो ऊंचाई आपके पास वो है, आपके पास कौन है? सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। तो सीढ़ी का जो मान है वह है 50 मीटर। अब देखिए इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि दो त्रिभुज बनते हैं तो दो समीकरण बनेंगी, एक इस वाले त्रिभुज की बनेगी एक इस वाले त्रिभुज की बनेगी। तो आप इसको सोल्व कर लें बड़े वाले त्रिभुज को या छोटे वाले को सोल्व कर लें, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो कोई से भी त्रिभुज को सोल्व कर सकते हैं। तो हम मान लो इस वाले त्रिभुज को सोल्व कर रहे हैं ए बी सी को, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हम हल करेंगे एच का मान निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए, अब यहाँ पे बात समझने की है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम निकाल रहे हैं इसका मान, तो आपको वो मान लेने हैं जिसका मान चाहिए। हमें एच का चाहिए तो फॉर्मूले में एच का मान आना चाहिए, मतलब लंब आना चाहिए और आधार आना चाहिए। तो लंब बटे आधार कौन से फॉर्मूले में आता हुआ था? टेन थीटा में। तो आप लिखेंगे लंब क्या हो गया? ए बी। और आधार क्या हो गया हमारे पास? बी सी। हमने लंब बटे आधार लिया है इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लंब बटे आधार ले रहे हैं। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपके पास? टेन थीटा। टेन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री का। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। और ए बी का जो मान है वो क्या है? एच मीटर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एच, और बी सी को ऐसे ही रहने दें। टेन 30 की वैल्यू फिट कर दें, टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए मुझे किसका मान चाहिए? इस बी सी का मान चाहिए, बी सी का मान चाहिए। तो यहाँ पर बी सी का मान कैसे निकलेगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बी सी से एक की गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे और इससे इसकी करेंगे। बी सी का ना बी सी हो जाएगा आपके पास, इससे इसकी गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3h। तो बी सी का मान आ चुका है √3h, इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जैसे ये वाला सोल्व करा है वैसे इस बड़े वाले त्रिभुज को सोल्व कर दें इसी तरीके से। देखो आप लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लगा दें आपके? आपको लगा दें बी सी डी में, बी सी डी में। बी सी डी में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे इसका मान चाहिए फिर से बी सी का, इसका बी सी का मान चाहिए।
तो क्या होगा, लगा लें इसका लंब क्या होगा सीडी, लंब क्या होगा सीडी और आधार क्या होगा इसका बीसी, क्या हो जाएगा बीसी। तो यहां पर लग जाएगा आपके पास कितना, इसका जो एंगल है 60 डिग्री का है। देखिए इसका जो एंगल दे रखा कितना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लगा यहाँ पे, तो यहाँ पर लंब बटे आधार लग जाएगा टेन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का, कितना है 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, सीडी का जो मान है किसका, सीडी का जो मान है वह है 50, कितना है 50 रखा, और बीसी का मान मुझे चाहिए, बीसी का चाहिए टेन, 60 का मान कितना होता है रूट तीन, क्या होता है रूट तीन, तो बीसी का मान मुझे चाहिए, इस बीसी का मान मुझे चाहिए, मतलब बटे की संख्या गुणा में गुणा की संख्या बटे में, 50 के बटे में कौन आ जाएगा रूट तीन, ध्यान से समझें, बीसी का मान चाहिए, देखो मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब बीसी यहाँ पर चला जाएगा रूट तीन नीचे आ जाएगा, मतलब ये इसके गुणा में जाएगा फिर वापस में रूट तीन नीचे को आ जाएगा। तो बीसी का मान एक तो ये आ चुका है और एक ये आ चुका है, इसको क्या दो समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को हल कर दें, क्या करेंगे आप समीकरण एक और दो को हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो को हल करने पर, दो को हल करने पर, एक व दो को हल करने पर लिखें, एक और दो कैसे हल होगी, मतलब इधर जो रूट तीन एच है, ये जो रूट तीन एच है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 50 बटा इसके रूट तीन के, 50 बटा रूट तीन के बराबर होगा। अब यहां से बेसी का देखिए, मतलब इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, मतलब रूट तीन से रूट तीन की करेंगे तो तीन आ जाएगा, यहाँ पे कौन है एच, इधर कौन है आपके पास 50, क्या है 50, मुझे एच का मान चाहिए, देखिए मुझे एच का मान यहाँ पे चाहिए क्योंकि एच यहाँ पर भवन की ऊंचाई है, एच का मान कैसे निकलेगा, ये गुणा की संख्या इसके बटे में जाएगी, मतलब 50 के बटे में कौन आ जाएगा तीन आ जाएगा। अब तीन से इसको डिवाइड कर दें, तीन से इसको काटें, देखिए तीन ही करना, तीन बचा कितना यहाँ पे दो, 20 बनाएगा इधर को, तीन छंग 18, छह बार काटेगा, ये तीन छंग 18, ये छह छह चलता रहेगा, तो अगली संख्या को रोकने के लिए 7 लगा दूं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं एच का मान 16.67 मीटर। अगर आपको पॉइंट में काटना नहीं आता है तो सही बटे में छोड़ सकते हैं, कैसे कि 50 को डिवाइड करेंगे किससे, तीन से, तो तीन ही करना तीन होगा और बटे में आ जाएगा कितना दो, तालो जीरो, फिर कटेगा तीन छंग 18, फिर बचेगा दो, ये जो दो शेष बचा है ये दो जाएगा ऊपर और तीन आएगा ये नीचे, तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर, और 16.67 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं, 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क है, तो चित्र बनाना सीखे, तो यहाँ पे एक सड़क हमने बना दी, मान लो ये सड़क है और कितनी है 80 मीटर चौड़ी है, मतलब इसकी जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर है। अब आगे क्या है, आगे बोला गया आमने सामने समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, तो ये समान लंबाई के क्या है खंभे हैं, मान लो एक खंभा ये खड़ा है और जस्ट इसके सामने एक खंभा इधर खड़ा है, ये दो खंभे खड़े हैं आमने सामने, ये जो दो खंभे खड़े हैं आमने सामने, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे को सिकर का जो खंभों के सिकर के उन्नयन कोण कितने हैं 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, एक का है 60 डिग्री, ऐसा मान लो इसका है 60 डिग्री का और इसका है कितना है 30 डिग्री का, तो 60 और 30 डिग्री का है, तो ये हो गया आपके पास 60 डिग्री का और ये हो गया 30 डिग्री का, अगर आपने 30 इधर रख दिया और 60 रख दिया इधर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। अब इसके नाम रख दें ए वी और यहाँ पर रख दें सी डी और ई। अब इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं, दो इक्वेशन बनेंगे इसके अंदर, देखिए अब यहाँ पे समझे ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक अगर हमने कह दी ये एक्स मीटर है, कितनी है एक्स मीटर है, तो अब तो ये एक्स है तो ये वाली हो जाएगी आपके पास 80 माइनस के एक्स, कितनी हो जाएगी 80 माइनस के एक्स, अभी 80 माइनस के एक्स कहां से आई है वो सुने आप ध्यान से, देखिए 80 माइनस के एक्स ये आई कैसे है वो देखें, देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है 80 है, अगर हमने ये वाली एक्स मानी है तो ये वाली क्या बचेगी, अगर हम टोटल में से, इस टोटल में से ये एक्स निकाल लेंगे ये वाली बच जाएगी, तो हमने क्या करा है पूरी इस बीडी में से, पूरी 80 में से ये जो 80 डिस्टेंस है उसमें से ये एक्स निकाली है तो ये वाली बच जाएगी, तो इस वजह से 80 माइनस के एक्स आ चुका है। अब लगा दें समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो इसका नाम रख दें, इसका नाम जो इसकी हाइट है वह एच मीटर रख दें, खंभे की जो ऊंचाई है
और इस खंभे की जो ऊंचाई है वो भी एच मीटर रख दें। अब क्या होगा, अब हिंदी लिखें, इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। माना खंभे की ऊंचाई आप लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की जो ऊंचाई है वो हमने क्या मानी है, एच मीटर। क्या मानी है, एच मीटर। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए बी। और ए बी हमने क्या मानी है, एच मीटर मानी है, खंभे की ऊंचाई। और सड़क की टोटल चौड़ाई, तो आप लिखेंगे सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, सड़क की जो चौड़ाई है वो है आपकी कितनी है, वो है बी डी, और बी डी है 80 मीटर। जो बी डी है वो है 80 मीटर, जो 80 मीटर है। ओके, यहां से लेकर यहां तक हमने जब एक्स मानी है तो ये वाली 80 माइनस के एक्स बचेगी, क्योंकि ये वाली एक्स घटेगी तभी तो ये वाली बचेगी। तो अब लगा दें समकोण त्रिभुज एबीसी में, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब एबीसी में कैसे हल करते हैं आपको पता है, एक बार लेंगे इसका लंब और लेंगे आधार, तो लंब बटे आधार ले लें, फॉर्मूला बन जाएगा टेन का। तो लंब हो गया आपके पास कितना, ए बी, क्या हो गया, ए बी। आधार हो गया इसका क्या है, बी सी। तो लंब बटे आधार फॉर्मूला लग जाएगा किसका, टेन थीटा का, और थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। और ए बी का जो मान है आपके पास आ चुका है एच मीटर, और इसका जो बी सी है वो है एक्स मीटर। यहाँ पर टेन 60 का मान कौन हो जाएगा, रूट तीन। मुझे एच का मान चाहिए, मतलब बटे की संख्या गुणा में इस एक्स से रूट तीन की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, रूट तीन एक्स हो जाएगा, रूट तीन एक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज को, आप लिखेंगे पुणे समकोण त्रिभुज, इसमें लगाते हैं आपके समकोण त्रिभुज आपका लगाएंगे, देखिए सी डी ई में, सी डी ई में, तो लगा दें त्रिभुज किसमें लगा दें, सी डी ई में। तो सी डी ई में फिर से वही बात है, लंब लेंगे और आधार लेंगे, लंब और आधार लेते हैं, टेन का फॉर्मूला लग जाता है। लंब हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ई डी, और आधार इसका हो जाएगा आपके पास सी डी। तो लंब बटे आधार लग जाएगा टेन थीटा, और टेन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे है 30 डिग्री का, कितना है, 30 डिग्री का है। ई डी का मान फिर से क्या है, एच है, क्या है, एच है। सी डी का मान यहां से लेकर यहां तक का जो मान है 80 माइनस के एक्स है, एक्स कितना है, 80 माइनस के एक्स। और यहाँ पे 10 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3। मुझे इस एच का मान चाहिए, वही बेसिक है, इससे इसकी गुणा करते हैं, एच ऐसे लिखो 80 माइनस के एक्स से एक की गुणा करोगे तो 80 माइनस के एक्स आ जाएगा, और बटे में कौन है, रूट तीन, क्या है, रूट तीन। तो हमने यहाँ पर भी एच का मान निकाल लिया, यहाँ पर भी एच का मान निकाल लिया, इसको कहते हैं समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो को हल कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए दो त्रिभुज बनते हैं तो दो समीकरण बनती है, दोनों को हल करके आंसर आ जाता है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक व दो को हल करने पर, समीकरण एक व दो को हल करने पर, दो को हल करने पर, एक और दो को हल करेंगे तो इसका आंसर सोल्व होकर आ जाएगा। देखिए एक जो है मेरे पास है रूट तीन एक्स, क्या है, रूट तीन एक्स है, और जो दूसरी है वो है आपके 80 माइनस के एक्स, और बटे में कौन है, रूट तीन, बटे में कौन है, रूट तीन। वही सीख है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रूट तीन से, रूट तीन की गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा तीन, उन साथ में कौन है, एक्स। एक जैसी संख्याएं हो रूट के अंदर तो सेम टू सेम आ जाती है गुणा करके, रूट तीन से रूट तीन करेंगे तीन, अगर रूट चार होता यहाँ पर, रूट चार होता तो चार आता, तो यहाँ पर रूट तीन है तो रूट क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इधर कौन है आपके पास, 80 माइनस का एक्स, 80 माइनस का एक्स। अब देखिए इधर माइनस का एक्स है, इधर खींच के प्लस का, क्योंकि क्या होता है इन एक्स एक्स को उठाकर एक तरफ भेजते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3x, इधर माइनस का इधर खींच के हो जाएगा प्लस का एक्स, इधर कौन है, 80। अब क्या होगा, आगे सोल्व कर दें, 3x और 1x हो जाएगा आपके पास 4x, कितना हो जाएगा 4x, इधर कौन है, 80। अब कट कर दें, 4 × 8 इधर आ जाएगा 0, एक्स का मान जो आ गया वो आ गया 20 मीटर। तो हम निकाल चुके हैं क्या, इस x का मान, देखिए यहां से लेकर यहां तक x का मान कितना, 20 है। अगर हमें इस खंभे की ऊंचाई चाहिए, क्या लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई, तो अगर आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कैसा आएगी निकल के वो सुने, तो देखिए खंभे की ऊंचाई क्या है, h है, और हम जानते हैं कि खंभे की ऊंचाई जो है वह h बराबर कौन है, रूट तीन एक्स है, क्या है, रूट तीन एक्स। यहां से देख लें h बराबर रूट तीन एक्स है, मुझे h का मान चाहिए, मतलब खंभे की ऊंचाई चाहिए, और देखें यहाँ पे कौन है, रूट तीन, क्या है, ये रूट तीन।
और x का जो मान है वो कितना है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है। तो h का मान आ चुका है 20 से रूट तीन की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर। ये किसका मान आ चुका है, ये आ चुका है खंभे की ऊंचाई। अब देखिए सड़क के बीच की चौड़ाई कितनी होगी, बीसी बराबर कितना आया है x, देखिए जो बीसी है वो कितना आया है x, और x का मान आ चुका आपके पास 20 मीटर, कितना आ चुका है 20 मीटर। यहाँ पर ध्यान से देखें इस x का जो मान आ चुका है कितना आया है 20 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20। अब बात आती है सीडी का मान क्या होगा, इस सीडी का मान और चाहिए हमें, ये कितना है आपके पास 80 माइनस का x। तो क्या होगा सीडी का मान निकालने के लिए 80 और x का मान कितना है 20, तो 20 घटा दें तो यहाँ पे जो सीडी का जो मान बचेगा वो बचेगा 60 मीटर का, कितना 60 मीटर का। तो सारे आंसर आ चुके हैं, खंभे की ऊंचाई जो हमें पूछी है वो हमने निकाल ली है, h का मान 20 रूट 3 मीटर आ चुका है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक खंभे के दोनों खंभों के बीच में जो इनकी चौड़ाई चाहिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बचेगी आपके पास 60। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक आंसर ये है और ये है, ये तीन चीज़ें पूछी, तीनों हमने इसमें फाइंड कर ली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।